जीरो टाइम वेस्ट स्टार्ट करते हैं। देखो फर्स्ट क्वेश्चन, टू टेक्निक्स ऑफ मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी, एनसीईआरटी में साफ साफ लिखा हुआ है, जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड स्टेराइल कंडीशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए डेवलप्ड बाय स्टैनले कोहेन एंड हर्बर्ट बोयर, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। ठीक है, एक एक क्वेश्चन एनसीईआरटी का कॉपी पेस्ट है। सीक्वेंस रिस्पॉन्सिबल फॉर रेप्लीकेशन इनिशिएशन, ठीक है, रेप्लीकेशन की इनिशिएशन के लिए कौन सा सीक्वेंस, ओराई मतलब ओरिजिन ऑफ रेप्लीकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है मॉलिक्यूलर सीजर, किसको बोलते हैं, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, रेप्लिकेटिंग सर्कुलर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए इन बैक्टीरियल सेल, कौन सा, प्लाज्मिड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एंजाइम्स ऐसे एंजाइम जो लिंक्स या जॉइन कुल मिलाकर जो फेविकोल का काम करते हैं वो क्या होते हैं, डीएनए लाइगेज, लाइगेज जहां वर्ड आ जाए मतलब जोड़ना। EFB की फुल फॉर्म, यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट डिस्कवर्ड रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, हिंद टू, यहां पे आप कंफ्यूज हो सकते हो, इको आर वन नहीं लिखना है, हिंद टू लिखना है। फर्स्ट मतलब पहले नंबर पे अपने देश को रखना है, हिंदुस्तान को रखना है, इको आर वन नहीं करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स होती हैं वो एंजाइम्स की कौन सी क्लास से बिलोंग करती हैं, न्यूक्लियेजिस, है ना, नाम में ही आता है रेस्ट्रिक्शन एंडो न्यूक्लियेजिस, तो न्यूक्लियेजिस उनकी क्लास है। अब ये डाटा एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम आइसोलेट हुई है कितनी हुई है, लगभग 900 हुई है, और कहां से हुई है, मोर देन 230 strains of bacteria। ठीक है, next question है, टेक्निक यूज्ड टू सेपरेट डीएनए फ्रेगमेंट्स, कौन सी, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, और जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में जो मोस्ट कॉमन मैट्रिक्स यूज होता है वो है एगारोस जेल। ठीक है, अब इसी का एक क्वेश्चन है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का, कि एक्सट्रैक्शन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट फ्रॉम, डीएनए फ्रेगमेंट को हम एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं कहां से, एगारोस जेल से, उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, इल्यूजन। ठीक है, इल्यूजन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एगारोस इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम सी वीड्स, ये सारा एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन इलेक्ट्रोफोरेसिस विच कंपाउंड इज यूज्ड टू स्टेन डीएनए, इथिडियम ब्रोमाइड, एनसीईआरटी का बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंसर्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए इन बैक्टीरियल सेल, देखो डीएनए का सेल में इंसर्शन क्या होता है, ट्रांसफॉर्मेशन, क्लियर बात है, ये याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज, नाम में ही आ गया थर्मस, थर्मस एक्वाटिकस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, माइक्रो इंजेक्शन, रिकॉम्बिनेंट डायरेक्टली इंजेक्टेड इनटू एनिमल सेल, यहां पे प्लांट सेल नहीं है, माइक्रो इंजेक्शन जब बात की जाए तो एनिमल सेल है, इसको याद ऐसे रखना कि इंजेक्शन, देखो इंजेक्शन हम ह्यूमंस को लगाए जाते हैं ना कि प्लांट्स को, तो एनिमल है, है ना। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन बायोलिस्टिक या जीन गन मेथड डीएनए इज कोटेड विद गोल्ड और टंगस्टन, क्लियर बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केमिकल यूज्ड फॉर डीएनए आइसोलेशन, चिल्ड इथेनॉल, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जो डायवेलेंट कटायंस होते हैं जैसे कि कैल्शियम, वो क्या करते हैं, इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ अपटेक ऑफ डीएनए, है ना, डीएनए अपटेक की एफिशिएंसी बढ़ा देते हैं, क्लियर बात है। लास्ट क्वेश्चन है सेपरेशन प्लस प्यूरिफिकेशन, सेपरेशन प्लस प्यूरिफिकेशन ऑफ डिजायरेबल प्रोटीन, क्या है, डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग, इसको ऐसे याद रखना पीरियोडिक टेबल के अकॉर्डिंग, देखो एस ब्लॉक से सेपरेशन, पी ब्लॉक से प्यूरिफिकेशन, और इनका रिजल्ट क्या है, डी ब्लॉक, यानी डाउन स्ट्रीम प्रोसेस, क्लियर है। थैंक यू।